सो आज यहाँ मेरे पास है स्लोविक का रेजिस्टेंस बैंड का सेट। सो बेसिकली यहाँ पे तीन रेंज हैं, तीन तरह के बैंड्स हैं मेरे पास। इन तीनों को आज रिव्यू करने वाले हैं हम अपने इस वीडियो में। सो इंश्योर करना इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोज मैं लाते रहता हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, अगर आप बैंड से वर्कआउट करना चाहते हो अपने घर पे रहकर, तो कम से कम आपके पास दो बैंड होने चाहिए, जिसमें से एक लाइट होगा एक हैवी होगा। यहां पे आपको तीन बैंड्स मिलते हैं, एक होता है लाइट, दूसरा होता है मीडियम, और तीसरा होता है हार्ड यानी हैवी। एब्स, चेस्ट, शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, सारी मसल्स को आप आराम से ट्रेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों बैंड में एक रेंज देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें पहले बैंड की, सो यहाँ आपको 15 से 35 LBS का रेंज मिलता है। बात करें दूसरे बैंड की, तो यहाँ पे आपको 30 से 75 LBS का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। और तीसरा जो हमारा हेवी बैंड है, उसमें आपको 75 से 105 LBS का रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। सो अब एक बार सब बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर से प्रोडक्ट कैसा दिखता है। सो ये है हमारा सबसे लाइट वाला, जिसमें 15 से 35 LBS का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको स्लोविक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साथ ही में LBS एंड KG में रेजिस्टेंस लिखा है। सो 15 से 35 LBS एंड 15 KG तक का आपको रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। सो जो दूसरा डब्बा है, उसमें मुझे दो चीज़ें मिली। एक तो यहाँ पे एक डोर एंकर मिला है, जिसका यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कई सारी वीडियोस में, लास्ट वीडियोस भी देख लेना। और साथ में ये बैंड मिला है, अगेन 30 से 75 LBS का। और ये बुक, जिसमें अंदर आपको वर्कआउट का सारा प्रोग्राम दिया हुआ है, किस तरह से आप वर्कआउट कर सकते हो इन बैंड का यूज़ करके। और ये तीसरा बैंड ऑरेंज कलर का, जो कि आपको 75 से 105 LBS का रेजिस्टेंस देता है। सो एक बार इसे यूज़ करके देख लेते हैं, यूज़ करने में कैसा है, कंफर्टेबल है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे बैंड्स। इनका आप देख सकते हो, जो इनर पोर्शन है मैट फिनिश है, और बाहर का जो पोर्शन है वो ग्लॉसी है। तीनों बैंड में सेम ही सी चीज़ें हैं, ऊपर में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सो मटेरियल वाइज भी मुझे काफ़ी सही लगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म जब मैं यूज़ कर लूँगा, उसके बाद से एक और रिव्यू बनाऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा सफ़र इस बैंड के साथ। कॉस्ट की अगर बात करें, तो आप अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पे ये करीब 1700 रुपए में लिस्टेड है। रेट फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, लिंक से जाके आप देख सकते हो उसका करंट रेट क्या चल रहा है, और आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। अगर बात करें कंक्लूजन की, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस बैंड के साथ जा सकते हो। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कॉस्ट भी ठीक है, 1700 में अगर आपको तीन बैंड का सेट मिल रहा है, लो मीडियम एंड हाई का, तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है, आप इसके साथ जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।